जिस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री वन होती है, तो इसमें क्या कर रहा है, देखो हमारे को तीन इक्वेशन गिवन होगी, वो क्या होंगी, देखो तीन लीनियर इक्वेशन गिवन क्या होंगे हमारे पास, ए वन वन एक्स प्लस ए वन टू वाई प्लस ए वन थ्री जेड इक्वल टू डी वन, फिर एक गिवन है ए टू वन एक्स प्लस ए टू टू वाई प्लस ए टू थ्री जेड इक्वल टू डी टू, थर्ड इक्वेशन हमारे पास ए थ्री वन एक्स प्लस ए थ्री टू वाई प्लस ए थ्री थ्री जेड इक्वल टू डी थ्री। अब बेटा देखो ये हमारे पास तीन इक्वेशन गिवन है, अब हमने क्या करें, देखो ये दो टाइप की सोल्यूशन होगी, दो टाइप की इक्वेशन होगी, एक होमोजीनियस और एक नॉन होमोजीनियस, ठीक है, वो कैसे करनी है हमको, देखो ध्यान से, इफ डी वन कोमा डी टू कोमा डी थ्री नॉट आर जीरो, नॉट आर जीरो, जब डी वन डी टू डी थ्री तीनों के तीनों जीरो, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, या तीनों नॉन जीरो हो सकते हैं, जब डी वन डी टू डी थ्री नॉट आर जीरो देन सिस्टम इज नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। अब नॉन होमोजीनियस है तो इसमें थ्री टाइप के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, वो कैसे करते हैं, देखो बट इससे पहले चीज बताओ आपको, एक चीज और बताऊ, ये हमारे पास तीन इक्वेशन है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज ए एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर ए इक्वल टू ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री, और कैपिटल एक्स इक्वल टू जो थ्री वेरिएबल्स है मेरे पास एक्स वाई और जेड, बी मतलब जो इक्वल टू में कंडीशन गिवन है मेरे पास डी वन डी टू डी थ्री। अब मैं एक बात कह रहा हूँ, इस सिस्टम से मैं चीज बता रहा हूं, देखो जान से मैंने कहा इफ डी वन कोमा डी टू कोमा डी थ्री नॉट आर जीरो, नॉट आर जीरो, तो सिस्टम इज नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, ठीक है ना, अगर सिस्टम मेरा नॉन होमोजीनियस है तो इसमें फिर टू टाइप के सॉल्यूशन करेंगे, थ्री टाइप के, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो तो सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन, ए एक्स इज इक्वल टू बी तो दैट इंप्लाइज एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो देन टू टाइप के केस हो जाएंगे, या तो होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, या फिर नो सॉल्यूशन, या फिर नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब जब डिटरमिनेंट जीरो तो कैसे पता लगाएंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो तीन इक्वेशन है इनमें सम की तीन इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को के मान लेंगे, मान लो मैंने मान लिया जेड की वैल्यू के है, तो उस जेड को फर्स्ट टू इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से हम एक्स और वाई की वैल्यू के की फॉर्म में निकालेंगे, उसके बाद हम एक्स कोमा वाई कोमा जेड की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे, अगर हमारे पास एल एच एस इक्वल टू आर एच एस बराबर आ गया तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अगर एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अच्छा कई बार हम ऐसे भी कहीं एक इसका पैटर्न होने वाला, अगर हम ये कहें एट ए इंटू एडजेंट ऑफ ए, ए इंटू एडजेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू जीरो देन सिस्टम है इनफाइनाइट नॉट
a into adjoint of a अगर not equal to zero then system has no solution it means inconsistent अच्छा फिर अगर हम कहें a into adjoint of a equal to zero then it has infinite many solution ठीक है अब उसके बाद बात आती है बेटा मेरे इसके ऊपर if d1 equal to d2 equal to d3 all are zero तो सिस्टम ही बट मैं इसको सेकंड में रख रहा हूं आपको ध्यान से इसको मैं रिलीज कर रहा हूं ठीक है और रिलीज कर रहा हूं कोई और मैं कह रहा हूं इफ d1 equal to d2 equal to d3 all are zero then system is homogeneous then system is homogeneous ठीक है अगर मेरा सिस्टम होमोजीनियस है होमोजीनियस तो फिर से इसके दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो तो इट हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो जेड इक्वल टू जीरो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो तो इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पर कहने का मतलब है कि वो होमोजीनियस सिस्टम के अंदर कभी भी नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे ठीक है अब बेटे से जो मेन बात एक बात और बताता हूं सुनो नंबर ए इफ सिस्टम हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन then system is called consistent either unique solution हो या infinite many solution हो second if system has no solution then system is called inconsistent अगर मेरे सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो सिस्टम को मैं क्या कहूंगा इनकंसिस्टेंट ठीक है बेटा ध्यान से सुनना फिर बता रहा हूं तीन लीनियर इक्वेशन हो या दो हो तो हम अगर d1 d2 d3 तीनों के वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो सिस्टम को मैं नॉन होमोजीनियस कहूंगा और नॉन होमोजीनियस सिस्टम के अंदर दो तरह के सॉल्यूशन होंगे या तो डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा या डिटरमिनेंट ए इक्वल टू जीरो होगा अगर मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन तो दैट इंप्लाइज ए एस इक्वल टू बी तो एस इक्वल टू ए इनवर्स बी अगर डिटरमिनेंट मेरा जीरो है तो इट हैज टू टाइप सॉल्यूशन आइदर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन इस तरह केस में हम क्या करेंगे किसी एक वेरिएबल को k मान लेंगे और उसको फर्स्ट टू इक्वेशन या सेकंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे वो तुम्हारी चॉइस के हिसाब से है अगर हम फर्स्ट टू इक्वेशन में z की वैल्यू पुट करते हैं तो वहां से हम x और y की वैल्यू k की फॉर्म में निकालेंगे x और y को k की फॉर्म में आने के बाद हम पुट इन द वैल्यू x, y, z इन इक्वेशन नंबर थर्ड अगर हमारे पास LHS equal to RHS आ जाता है तो हम कहेंगे कि द सिस्टम है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन अगर हमारे पास LHS नॉट इक्वल टू RHS दैट सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन ठीक है तो उसके बाद अब हम करते हैं सिस्टम के अंदर होमोजीनियस अगर मेरे पास d1 d2 d3 तीनों की d1 d2 d3 ऑल आर जीरो तीनों की वैल्यू जीरो होती है तो सिस्टम इज कॉल्ड होमोजीनियस और इसमें दो तरह के केस होंगे या तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो अगर डिटरमिनेंट मेरा जीरो होता है तो यूनिक सॉल्यूशन दैट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन इसमें एक्स वैल्यू भी जीरो हो जाएगी वाई वैल्यू भी जीरो और जेड वैल्यू भी जीरो हो जाएगी
और अगर मेरे पास जीरो डिटरमिनेंट रियल टाइम इनवेरिएंट मैन सॉल्यूशन, इसका भी प्रोसेस वही है कि सी वेरिएबल को k मान लेंगे। अच्छा, इस होमोजीनियस सिस्टम के अंदर नो सॉल्यूशन का कभी भी केस एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है बेटा। उसके बाद नोट, हमारे से क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर हमारे पास सिस्टम का, गिवन सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन हो, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनवेरिएंट मैन सॉल्यूशन हो, तो हम सिस्टम को बोलेंगे कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट। अगर हमारे पास सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, देन सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। ये तो बेटा तुम्हारा बेसिक, अब इसको मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, देखा जाए। देखो इसमें ये मैं फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपको करा रहा हूं, इसके थ्री पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूं, बाकी टू पार्ट्स आपको खुद करने हैं। इसमें क्या, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करना है। 5x माइनस 7y इक्वल टू 2, 7x माइनस 5y इक्वल टू 3। बट देखो हमने इसको एलिमिनेशन से सोल्व नहीं करना है, तो पेपर में क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा। ये हमारा मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, तो हमने इसको मैट्रिक्स मेथड से ही सोल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, मैंने अभी आपको बताया था, देखो सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन इज द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देखो 5x माइनस 7y इक्वल टू 2 और 7x माइनस 5y इक्वल टू 3। तो द गिवन सिस्टम, द गिवन सिस्टम मे बी रिटन एज, या कैन बी रिटन एज, मे बी रिटन एज ए एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर कैपिटल ए इक्वल टू 5 माइनस 7, 7 माइनस 5। पर जो ए मैट्रिक्स बनती है वो क्या बनती है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट की, एक्स का कोफिशिएंट 5, वाई का कोफिशिएंट माइनस 7, यहां पर एक्स का कोफिशिएंट 7, वाई का कोफिशिएंट माइनस 5। उसके बाद हम चलते हैं कैपिटल एक्स की तरफ, कैपिटल एक्स वाला नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल हमारे 2 है एक्स और वाई। उसके बाद कैपिटल बी, बी हमारे क्या होंगे, जो इक्वल टू में टर्म्स होंगे 2 और 3। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट देखो, ये चीजें नॉन होमोजेनियस सिस्टम, बिकॉज बी की जो वैल्यू 2 3 नॉट इक्वल टू 0, दोनों के दोनों टर्म्स 0, देन सिस्टम इज होमोजेनियस, एटलीस्ट वन एलिमेंट इज नॉन जीरो, देन इट इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस। अब हम काम करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या कहते हैं, पहले दोनों मल्टीप्लाई 5 * - 5 माइनस का 20 का, बीच में माइनस, 7 7 जा 14 है, तो माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू हो गई 24, ये वैल्यू हो गया नॉट इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट फॉर द गिवन सिस्टम हैज, द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन, तो दैट इंप्लाइज मैं कह सकता हूं ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो दैट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। नाउ अब हम निकालेंगे ए वन वन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वैल्यू आगे माइनस फाइव को फैक्टर निकाल रहे बेटा, ए वन टू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम प्लस का 7, एक माइनस ये देगा, तो यहां से वैल्यू होगी माइनस 7, ए टू वन आल्सो प्लस का 7 हो जाएगा, ये एक माइनस ऑलरेडी वहां से, और एक माइनस इसका, ए टू टू ये इवन है तो प्लस का 1 और ये 5 5, तो अब मेरे पास वैल्यू आ गई एडजॉइंट ऑफ ए की। अब एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा, देखो माइनस 5 माइनस 7 सॉरी 7 5 इस सारे का होल ट्रांसफर, ट्रांसफर करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ गई माइनस 5 माइनस 7 7 और 5, सो तो दैट इंप्लाइज ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये वैल्यू आ गई 1/24 इनटू में माइनस 5 7 माइनस 7 5, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया ए इनवर्स। अब उसके बाद मैं लिखता हूं, देखो नाउ सॉल्यूशन इज, नाउ सॉल्यूशन इज एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो एक्स की वैल्यू होगी मेरे पास एक्स बाई ए इनवर्स की वैल्यू 1/24, ए इनवर्स की वैल्यू होगी माइनस 5 7 माइनस 7 5 इनटू में बी 2, 2 और 3 सॉरी एक्स कोमा वाई, यहां पर एक्स ये वाई 1/24, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10 प्लस 21 माइनस का 14 प्लस का 15, तो दैट इंप्लाइज एक्स की वैल्यू होगी देखो 21 में से 10 की 11 तो 11/24 और वाई की वैल्यू आ गई 15 में से 14 की 11 1/24
20 for which is the required answer. ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू आ गई x और y की. अगर आपको लगे कि मेरा आंसर गलत है तो आप चेकआउट कर सकते हो, x और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो. अगर ये x और y की वैल्यू इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट है. बट दोबारा समझाता हूँ, देखो इस क्वेश्चन को क्या है. हमारे पास दो टू लीनियर इक्वेशन गिवन है. मैंने सबसे पहले इक्वेशन को ले लिया, उसके मैंने कहा इस सिस्टम को कैन बी रिटर्न एज ए एस इज इक्वल टू बी की फॉर्म में. ये क्या होगा, जो हमारे एक्स और वाई के कोफिशिएंट उससे मैट्रिक्स बनेगी. कैपिटल एक्स हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, एक्स और वाई, और बी हमारे पास इक्वल टू है जो टर्म्स है. सबसे पहले हमारा काम करेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करना. अब मैंने 5 5 = 25, 7 7 = 49 माइनस माइनस प्लस वैल्यू है 24, ये है नॉट इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट. अब मैं कह सकता हूँ सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन. अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो एक्स इक्वल टू बी, तो दैट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. नाउ अब हम देखो ए इनवर्स निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले h1 निकालना पड़ेगा, h1 निकालने के लिए हमको a11 निकालना पड़ेगा फैक्टर. तो देखो इन दोनों का सम इवन, इवन का प्लस कॉमन रहेगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -5 × 1 -5. फिर हम निकालेंगे a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, लेकिन दोनों का सम 3, तो माइनस का मतलब रहेगा आगे फर्स्ट और सेकंड कॉलम 7 × -1 - 7. सिमिलरली a21 और a22, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है -5 - 7 - 7 - 5, सारे का होल ट्रांसपोज. ट्रांसपोज करने के बाद ये रो क्या बन गई कॉलम और ये रो बन गई कॉलम, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया. नाउ ए इनवर्स कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए या बॉन्ड में डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट वैल्यू 1/24 आ गई और ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू. तो नाउ द सॉल्यूशन इज x = a इनवर्स b, x की जगह मैंने पुट कर दिया x, y, ए इनवर्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, बी की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके मेरे पास आंसर आ गया एक्स और वाई. तो ये तो बेटा हमारा पहला क्वेश्चन. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे. क्वेश्चन सेकंड में कह रहे बेटा देखो, which of the following equations are consistent and if consistent तो सोल्व देम. तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पास दिया है 2x + 3y = 5, 3x + 2y = 2. सेकंड इक्वेशन है 3x - 2y = 5, 6x - 4y = 2, और थर्ड इक्वेशन है 2x + 3y = 5, 6x + 9y = 2. सात पार्ट है, मैं आपको तीन पार्ट बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना. इसमें क्या कि जो हमारे पास तीन पार्ट डाउन होते हैं, हमें चेक करना है कौन सा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है. जो सिस्टम कंसिस्टेंट है तो उसको आगे सोल्व करके एक्स वाई जेड की एक्स और वाई की वैल्यू बताओ. सॉल्यूशन फर्स्ट, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 5, 3x + 2y = 2. तो द सिस्टम कैन बी रिटन एज, द सिस्टम कैन बी रिटन एज ax = b, वेयर a = 2, 3, 3, 2, कैपिटल x = x, y और b = 5 और 2. अब हम चेक करेंगे बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2 2 = 4, 3 3 = 9, वैल्यू आ गई -5, नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट.
So the system has unique solution. The system has unique solution. मेरा जो system है उसके एक unique solution exist कर रहा है. Unique solution है तो मैं कहूंगा AX is equal to B. That implies X is equal to A inverse B. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, A इनवर्स निकालने के लिए हमारे को एडजॉइंट निकालना पड़ेगा. एडजॉइंट के लिए हमारे को A वन वन को फैक्टर निकालना पड़ेगा. A वन वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वैल्यू आ गई टू, A वन टू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वैल्यू आ गई माइनस थ्री, A टू वन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वैल्यू आ गई माइनस थ्री, A टू टू सेकंड रो सेकंड कॉलम वैल्यू आ गई टू. तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू माइनस थ्री माइनस थ्री टू और इस सारे का होल ट्रांसपोज. होल ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई है, टू माइनस थ्री माइनस थ्री और टू. अब ए इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मेन डिटरमिनेंट ऑफ ए. तो माइनस वन बाय फाइव ब्रैकेट में टू माइनस थ्री माइनस थ्री टू, तो ये वैल्यू आ गई वन बाय फाइव. तो ए इनवर्स जो हमारे पास आ गया वो आ गया वन बाय फाइव टू थ्री थ्री सॉरी माइनस टू थ्री थ्री माइनस टू. सो द सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन इज, सो द सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. तो एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्स वाई ए इनवर्स वन बाय फाइव माइनस टू थ्री थ्री माइनस टू. बी की वैल्यू मेरे पास आ गई फाइव कॉमा टू. तो एक्स वाई इक्वल टू वन बाय फाइव माइनस का टेन प्लस का सिक्स फिफ्टीन माइनस का फोर. तो एक्स इक्वल टू देखो माइनस टेन में सिक्स के माइनस का फोर, तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस फोर बाय फाइव. वाई को फिफ्टी फोर की इलेवन, तो वैल्यू आ गई इलेवन बाय फाइव. ये बीच आर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई. ये था मेरा बेटा सोल्यूशन. ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ. ध्यान से देख रहे बेटा, ठीक है बेटा. सिंगलली फर्स्ट क्वेश्चन दिया जाता है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा. ठीक है, ध्यान से देखना इसको भी. बेटा ये जो मेथड मैं आपको कराऊंगा थोड़ा एग्जाम्पल से अलग करवा रहा हूँ. ठीक है, एग्जाम्पल जो मेथड नहीं है जो मैं आपको करा रहा हूँ. देखो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस टू वाई इक्वल टू फाइव सॉरी 6x माइनस फोर वाई इक्वल टू टू, इक्वेशन नंबर वन. इक्वेशन नंबर टू, अब देखो द सिस्टम कैन बी रिटन एज ए एक्स इक्वल टू बी वेयर ए इक्वल टू थ्री माइनस टू सिक्स माइनस फोर. एक्स इक्वल टू यहां पर स्मॉल एक्स और ये स्मॉल वाई नंबर वेरिएबल्स. कैपिटल बी इक्वल टू विक्रम फाइव और टू. अब हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए. थ्री फोर जा माइनस का ट्वेल्व, बीच में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस आल्सो ट्वेल्व आ गया जीरो. अब डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू जीरो, तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट. दैट इंप्लाइज द सिस्टम हैज आइदर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन. अभी हमें पता नहीं बेटा इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है. तो इसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या करना, मैंने किसी भी एक वेरिएबल को के मान लिया है, वाई इज इक्वल टू के इन फर्स्ट. बट देखो हमारा यूनिक सोल्यूशन था तो इसका हमारा सिस्टम ही कंसिस्टेंट था. ठीक है, हमें लिखना बोल गया तो आप लिख लेना लेट वाई इज इक्वल टू के इन इक्वेशन नंबर वन. बट आपकी चॉइस है, चाहे वन में पुट करो चाहे सेकंड में पुट करो. मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, तो देखो मेरे पास क्या बनेगी इक्वेशन, थ्री एक्स माइनस टू के इक्वल टू फाइव. थ्री एक्स इज इक्वल टू फाइव प्लस टू के.
x इक्वल टू 5 प्लस 2 के होल में 3. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x कोमा y इन इक्वेशन सेकंड. तो देखो 6 एलईडी बटन x की वैल्यू होगी हमारे पास 5 प्लस 2 के अपॉन में 3 माइनस 4 के इक्वल टू 2. 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 के माइनस 4 के इक्वल टू 2. 4 के से 4 के 10 इक्वल टू 2 विच इज इम्पॉसिबल. अरे एक बार ध्यान, कभी भी नो सोल्यूशन है इनफाइनाइट सोल्यूशन केस आएगा तो हमेशा की वाली टर्म ऑलवेज कटेगी. अगर के की टर्म आपकी नहीं कैंसिल आउट हो रही है तो इसका मतलब आप लोगों ने मिस्टेक कर चुके हो. के की टर्म 100% कट ऑफ होगी तो विच इज इम्पॉसिबल. तो दैट इंप्लाइज द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन एंड सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. बोला मैंने कहा सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट करेगा, अच्छा वो यूनिक सोल्यूशन का एग्जिस्ट या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करे तब हमारा सिस्टम करेगा कंसिस्टेंट. यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, द सिस्टम इज नो सोल्यूशन, तो इसका मतलब सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. तो ये था बेटा हमारा सेकेंड पार्ट. अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ. देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 6x प्लस 9y इक्वल टू 15. ठीक है, तो इसके बाद हम दो इक्वेशन गिवन है बेटा. तो हमने फिर से वही पिछला स्टेप यूज किया था, सिस्टम कैन बी रिटन एज सिस्टम कैन बी रिटन एज ए इक्वल टू बी वेयर ए इक्वल टू 2, 3, 6 और ये 9 और कैपिटल x इक्वल टू x और ये y और b इक्वल टू 5 और ये 15. अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a को चेक करेंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 2, 9 जा 18 माइनस 18 वैल्यू आ गई 0. तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. दैट इंप्लाइज द सिस्टम हैज आइदर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन. ठीक है, फिर से भी कैसा करना, तो हम क्या करेंगे, लेक्शन इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, लेट वाई इज इक्वल टू के इन फर्स्ट. तो यहां से हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन, 2x प्लस 3k इज इक्वल टू 5, 2x इक्वल टू 5 माइनस 3k, x इक्वल टू 5 माइनस 3 के अपॉन में 2. अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x कोमा y इन इक्वेशन सेकंड. तो यहां से बेटा देखो 6x की वैल्यू होगी 5 माइनस 3 के अपॉन में 2 प्लस 9 के इक्वल टू 15. 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9k प्लस 9k इक्वल टू 15. बेटा देखो फिर से 9 से 9 के कैंसिल हो गया तो 15 इज इक्वल टू 15 व्हिच इज ट्रू.
ठीक है, अब ये वैल्यू हमारी ट्रू होगी तो इसके मतलब तो दैट इंप्लाइज द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है ना, सिस्टम कंसिस्टेंट, तो आंसर एक्स की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास आ गई 5 - 3k/2 और वाई की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास है के। ठीक है, थोड़ा मैंने पहले कहा था अगर यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो सिस्टम मेरा कंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो अगर एक नंबर में आता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है तो आप शॉर्टकट तरीके से चेक आउट कर सकते हो। देखो A1, A2, B1, B2, B3, देखो A1 / A2 और B1 / B2 और C1 / C2 तीनों नॉट इक्वल टू जीरो तो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। A1 / A2, B1 / B2, C1 / C2 A1 / B1, A2 / B2, A3 / B3 अब देखो A1 / A2 पर A2 / A1 / B1, A2 / B2 तो इक्वल है लेकिन A3 / B3 नॉट इक्वल तो इसका मतलब सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन एंड इट हैज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। A1 / B1 देखो 2/6 / 1/3 A2 / B2 3/9 / 1/3 A3 / B3 5/15 ये भी 1/3 तीनों की जो रेशियो आ रही है तो 1/3 आ रही है तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इन दोनों की रेशियो इक्वल है बट इसकी रेशियो इक्वल नहीं है तो इसका नो सॉल्यूशन, इन तीनों की रेशियो इक्वल नहीं है तो इसका सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। तो बेटा ये थे हमारे एसआई के फर्स्ट 2 क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही, बाकी आप तो ठीक है।